तो भारी बारिश ने सब्जियों की खेती को भी तबाह कर दिया है, जिससे धनिया के भाव आसमान छू रहे हैं, टमाटर के दाम भी बढ़ रहे हैं, आलू प्याज लौकी भिंडी कद्दू शिमला मिर्च हरी मिर्च गोभी और बैंगन के दाम भी बढ़ गए हैं। तो सब्जी विक्रेताओं का ये कहना है कि अभी कुछ दिनों तक दाम बढ़े रहने के आसार यूं ही बने रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद पुराने बस अड्डे पर स्थित सब्जी मंडी के अंदर। दरअसल मंडी में सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, यानी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। सब्जियों के रेट बढ़ने की वजह से आम जनता की पॉकेट पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर हर तरह की सब्जी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर फूल गोभी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फूल गोभी खरीदते हुए यहाँ दिख रहे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या रेट चल रहा है बाबू जी फूल गोभी का? हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी खाना खा ही नहीं सकता, सब्जी उसकी थाली से बाहर हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। कहीं 80 है, कहीं 100 है, कहीं 125 भी है, कुछ रेट ही फिक्स नहीं है। सब्जियों के बहुत ज्यादा रेट हो गए हैं, महंगाई के रेट हैं। और यहाँ पर जो विक्रेता हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। सब्जी विक्रेता भैया, तोरी का क्या रेट है? 80 रुपए किलो तोरी। और गोभी का क्या रेट है आपके यहाँ? 120 रुपए किलो की ये फूल गोभी है। सर सब्जियाँ महंगी हो गई, क्या कहेंगे, कितने रेट बढ़ गए? पहले से महंगाई तो है। घर आपका क्या कहना है, किचन का बजट तो आप संभालते हैं, कितना फर्क पड़ रहा है? हाँ, किचन तो क्या, बहुत महंगी हो रही सब्जी तो। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक सब्जी फिलहाल मंडी में महंगी हो गई है, और जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, सब्जी मंडी। तो लगातार हो रही रिमझिम बारिश से सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां लोग भारी बारिश से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महंगी सब्जियों ने उनके घर की रसोई का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि किसानों के खेतों में पानी भर जाने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, और यही वजह है कि सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियां महंगी हो गई हैं, और कारण है लगातार हो रही बारिश। अंकल कितना महंगाई दिखाई दे रही है? डबल 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 हो गई है। कैसे चला रहे हैं, बजट तो बिगड़ गया हुआ? बजट तो बिगड़ेगा भैया। अब ये है कि जो आधा किलो चीज खाते थे वो पावर खाओ, अब खाना तो पड़ेगा ही खाना। महंगी वाली सब्जी मत खाओ, जो आप एडजस्ट कर सकते हो एडजस्ट करिए, और तो कोई रास्ता नहीं। ये तमाम हरी सब्जियां जो है वो महंगी हो गई है, एक भाई साहब हो रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या आ रहा था इस टाइम? सर जो भी चीज हम 1 किलो खरीदने जाते हैं वो 250 ग्राम खरीदनी पड़ रही है। कोई चीज 80 रुपए किलो है, कोई 200 रुपए किलो है, कोई 250 रुपए किलो है, तो आदमी को कहीं ना कहीं अफेक्ट तो पड़ ही रहा है हर चीज में। महंगाई बारिश की वजह से, एक तो वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाए आप ये बताइए, समझ में नहीं आ रहा। कमी खरीद रहे हैं क्या करें भाई, 250 ग्राम ही खरीद रहे थे, जैसे जैसे जरूरत होगी उतना ही खरीदेगा आदमी। क्या ऐसा है जी, देखो जैसे धनिया है, टमाटर है, मिर्ची है, प्याज है, फलपिया 50 रुपए खरीदी, जैसे जैसे बारिश होती जाती है ना, फिर सामने महंगा होता जाता है। इसमें किसानों का नुकसान है, खेतों में पानी हो जाता है, किसान बेचारा नहीं ला पाता, जिसमें 2 पोटली ला पाता ना उसमें 1 पोटली ला पाता है। पहले धनिया 200 बिक रहा था रिटर्न में, मंडियों 200 रुपए था, आज 4-5 दिन से मंडियों 300 रुपए बिक रहा था, हमें 400 बिकना पड़ रहा है, हमारा भी नुकसान है, इसमें मंडी वालों का नुकसान। देखिए लगातार बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि जो धनिया है ये करीब 400 रुपए किलो इस समय हो चुकी है, और 400 रुपए किलो की वजह से ऐसे तमाम चल रहे हैं। धनिया हमेशा जाहिर सी बात है कि हर सब्जी में डाला जाता है, तो ऐसी तमाम चीजें, तमाम सब्जियां जो बहुत महंगी हुई हैं, और लोगों को बस इंतजार इस बात का है कब इस बारिश से राहत मिलेगी। तो वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज स्टेट।